Hello, good morning everyone. Now we start Hindi verb. In Hindi verb, today we learn a new letter, Na. Before we start that letter, we revise previous letters, Ga Ma Bha, formation of that. Okay, क्योंकि मैम ने देखा है कुछ बच्चे Ga Ma Bha में नीचे लाइन टच कर रहे हैं, इसलिए मैम आपको एक बार फिर से Ga Ma Bha की फॉर्मेशन बताने वाली है. Okay, look at carefully. ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट हिंदी में मैम फिर से आपको टू थिंग्स बताएंगी. फर्स्ट थिंग कि हिंदी में हमेशा लेटर कहां से स्टार्ट करते हैं, टॉप टू लाइन से. कहां से स्टार्ट करते हैं, टॉप टू लाइन से. एंड सेकंड थिंग कि हिंदी लेटर्स में हमेशा रूफ लाइन जो है वो लेटर बनाने के बाद लगेगी, पहले कभी भी नहीं लगेगी. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू लाइन. पुट योर पेंसिल हियर. स्टैंडिंग लाइन, move slowly cross the middle blue line. आपको middle blue line से नीचे लेके जाना है, लेकिन आपकी जो लाइन है वो bottom blue line को टच नहीं करेगी. और देखो मैम ने अपना चौक भी लिफ्ट नहीं किया है ना, तो आपको अपनी पेंसिल लिफ्ट नहीं करनी है. स्टॉप हियर, देन स्लैंट, देन स्लीपिंग, टच द स्टैंडिंग लाइन. ओके, देन लिफ्ट योर पेंसिल और आपको इसके थोड़ी सी पास, बिल्कुल बहुत दूर नहीं करना है, बिल्कुल इसको टच भी नहीं करना है, थोड़ी सी दूर रखेंगे. एंड मेक ए स्टैंडिंग लाइन विद दिस. ग, नाउ मेक ए रूफ लाइन. और रूफ लाइन जो है हमारी वो पूरे लेटर को कवर करेगी. ये बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी. देखो मैम का ग यहां तक का, मैम ने रूफ लाइन इसलिए यहां से स्टार्ट किया. ओके, नाउ म, स्टार्ट फ्रॉम टॉप ब्लू लाइन, स्टैंडिंग लाइन, मूव मूव क्रॉस द मिडल ब्लू लाइन, स्टॉप. नाउ स्लैंट, टच द मिडल ब्लू लाइन, देन स्लीपिंग लाइन. ग में हमारी स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन को टच करके स्टॉप हो गई थी, लेकिन म में ये स्टैंडिंग लाइन को क्रॉस करेगी, आगे चली गई थोड़ी सी. देन गो अप, कम डाउन स्ट्रेट एंड टच द बॉटम ब्लू लाइन. देन लिफ्ट योर पेंसिल एंड मेक इट रूफ लाइन, म. नाउ भ, ध्यान से देखेंगे बेटा, भ जो है हमारा टॉप ब्लू लाइन से बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट ना होते, उसके थोड़ी सी नीचे से स्टार्ट होता है. मेक ए हुक लाइक दिस, छोटा सा हुक बनाया, देन स्टैंडिंग लाइन, मूव मूव क्रॉस द मिडल ब्लू लाइन, स्टॉप, देन स्लैंट, टच द मिडल ब्लू लाइन, देन मूव एंड क्रॉस द स्टैंडिंग लाइन, मूव मूव बेटा. और ये स्लीपिंग लाइन बहुत बड़ी नहीं बनानी है आपको. देन गो अप, कम डाउन स्ट्रेट. और भ का सीक्रेट सबको याद है कि भ की रूफ लाइन जो होती है वो सिर्फ स्टैंडिंग लाइन पे आती है, उसके हुक पे नहीं जाती है. ओके, अगर हम हुक के ऊपर रूफ लाइन लगाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. भ, नाउ वी लर्न, नाउ वी लर्न ए न्यू लेटर दैट इज न. बहुत केयरफुली देखेंगे. ओके, लेट स्टार्ट फ्रॉम टॉप ब्लू लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टॉप, गो अप. बेटा आपको पेंसिल लिफ्ट किए बिना उसी स्टैंडिंग लाइन के ऊपर मूव करना है. स्टॉप ऑन मिडल ब्लू लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, स्टॉप, देन स्लैंट. देखो नीचे आई है मैम की स्लैंट, देन स्टैंडिंग लाइन. और इसकी स्टैंडिंग लाइन वापस स्लीपिंग को टच होगी. देन मेक ए रूफ लाइन. रूफ लाइन पूरे लेटर को कवर करेगी. देखो न यहां तक था तो हमने यहां से स्टार्ट किया था. वन मोर टाइम वी लर्न हाउ टू राइट न. स्टैंडिंग लाइन, स्टॉप, टच द बॉटम लाइन, स्टॉप, देन गो अप, स्टॉप ऑन मिडल ब्लू लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट, देन स्टैंडिंग, टच. बेटा आपको जो ये बनानी है नीचे, आपको ये स्लैंट लेके ऊपर स्टैंडिंग देनी है, जो हमारी स्लीपिंग जा रही थी. आपको ये ऐसे नहीं बनाना है बिल्कुल भी. ये आपने स्लीपिंग ली, आप यहां भी स्लैंट ले लो और यहां भी स्लैंट ले लो, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा. इट्स रॉन्ग. ये वाली लाइन स्टैंडिंग ही आएगी और ये स्लैंट आएगी. बी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है, नाउ मेक ए रूफ लाइन. वन मोर टाइम वी लर्न हाउ टू राइट न. स्टैंडिंग लाइन, touch the bottom blue line, then go up again, stop on middle blue line, slipping line, slant, then standing,
देन मेक ए रूफ लाइन. क्या बन गया ये? विच लेटर इज दिस? न. कौन सा लेटर है ये? न. नाउ वी ड्रिल वोकैब ऑफ न. लुक एट केयरफुली. न. न नल, न नाक, न नाव, न नारियल. न नल. नल क्या होता है आपको पता है ना? टैप, जिससे वाटर आता है ना, आपके बाथरूम में भी होता है, किचन में भी होता है. ओके. नाक. नाक क्या होती है? हमारी नोज. टच योर नोज एंड स्पीक न. न नाक. नेक्स्ट न नाव. नाव क्या होती है? बोट. और नाव कहाँ चलती है? वाटर में. सेल करती है. अच्छा एक चीज मैं आपको बताइए, आपको पता है नाव में कितने व्हील्स होते हैं? पता है आपको? थिंक थिंक. यस. नाव में कोई भी व्हील नहीं होते क्योंकि नाव चलती नहीं है. नाव वाटर के ऊपर सेल करती है. नेक्स्ट न नारियल. नारियल क्या होता है? नारियल इज ए फ्रूट. आपको पता है जो कोकोनट होता है, कोकोनट को हम हिंदी में नारियल कहते हैं, ये ऊपर से बहुत हार्ड हार्ड होता है और अंदर से बिल्कुल व्हाइट, और इसके अंदर पानी भी होता है. ओके. और ये व्हाइट व्हाइट जो होता है हम इसे खाते हैं, और जो हार्ड हार्ड होता है हम उसको थ्रो कर देते हैं, और समटाइम्स हम उसको एक्टिविटीज में भी यूज करते हैं. ओके. और आई होप आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे और बहुत ब्यूटीफुली वर्क करके भेजोगे. बाय. टेक केयर.